करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं आयशा आपके सामने एक ऐसा सच, ऐसी हकीकत आज आपके सामने लेकर आना चाह रही हूँ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे तलख लग रही है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मरने का मुकाम है मेरे लिए। आज वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में हमारे पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान एक हकीकत बयां कर रही है, मैं आज उसके खिलाफ एक चीज़ बयान करने चाह रही हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर, मैं अपनी पूरी ये वीडियो दूंगी। कहने का मकसद है कि मैं एडिटिंग करने वालों को पहले तो सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ। क्या बात है यार, दिल नहीं डरा, आंखें नहीं कांपी, हाथ नहीं कांपे, आंखों में हया नहीं आई कि किस गंदी लड़कियों को आप मेरे साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ी सी शर्म नहीं आई। आज उस लड़की का रियल चेहरा मैं आपके सामने इस वीडियो में दिखाऊंगी, फैसला खुद कीजिएगा कि एडिटिंग करने वालों सल्यूट करती हूँ तुम लोगों को, क्या अपनी माओ बहनों की इज्जत भी आप इस तरह नीलाम करोगे? अगर एक लड़की ने एक हलफ उठाया है, एक सच की आवाज़ उठाई है, तो उसका साथ दें, बजाय मुझे ही मेरे करैक्टर को क्रोध रहे हो। शर्म नहीं आई करैक्टर को क्रोधने की, बजाय उस जुल्म को, उस हकीकत को आप छुपा नहीं सकते, कितनी को देर छुपाएंगे? अगर आप ना शुरू कर देंगे तो ये विक्टिम ब्लेमिंग हमेशा होती रहेगी। आप सिर्फ ऐसी छोटी बच्चियों को रेप से नहीं बचा सकते, आप 9 घंटे तदफीन हुई औरत को रेप से नहीं बचा सकते, आप रिक्शे में सवार माँ बेटी को रेप से बचा नहीं सके, आप वो 4 साल छोटी बच्ची को रेप करके उसके कुल्हाड़ी के साथ कत्ल कर दी, आप उस बच्ची को नहीं बचा सकते, आप कभी भी अब ये बचा नहीं सकते जब तक आप विक्टिम ब्लेमिंग करते रहेंगे। मैं कितना लड़ सकती हूँ आप लोगों के साथ, कितना? आज मुझे खुद से फायदे देना पड़ रही है, मुझे तब एक इज्जतदार एक गैरतमंद मुआशरे में। और प्लीज़ गाइस देखें, ये जितना भी मसला हो रहा है ये सिर्फ एक माइंड सेट का मसला है, तो प्लीज़ आप माइंड सेट कर लें, माइंड सेट कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ सोच बदलिए अपनी, औरत को ही ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए। कोई औरत अगर सच की आवाज़ लेके खड़ी है तो प्लीज़ मुझे आपका साथ चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, लड़की वहाँ पे क्यों गई, उसने कपड़े क्या पहने हुए थे, उसने झंडा पकड़ा हुआ तो उसने फ्लाइंग किस की, गार्ड ने निकाला उधर लेकर आए उधर लेके, ये छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए प्लीज। स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग, सच का साथ दीजिए उस जुल्म को। उन 400 मर्दों में से जो लोग टॉर्चर कर रहे थे उनको पकड़िए। और दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आज हकीकत हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है? ना ही तो वो आयशा है, ना ही वो लड़की जो है उसका हम फेस भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो ये सुनी सुनाई बातें आप करके तो एक इज्जत को इस तरह नीलाम नहीं कर सकते। आज तक क्या मिलेगा आपको ये करके? आज तक हम आप मुझे गद्दार कह सकते हैं, गलत करार दे सकते हैं, इससे करने से क्या होगा? अब पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहे हैं ना, दुनिया के हर जगह पे जो जुल्म हो रहे हैं, क्या आप उसको स्टॉप कर सकते हैं? आप नहीं स्टॉप कर सकते। हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया ने बहुत सारा साथ दिया, पुलिस ने हमारा बहुत सारा साथ दिया, आवाम ने बहुत सारा साथ दिया। मसला ये है कि आवाम कुछ सुनी सुनाई बातें करके सुन के वो आगे बोलती जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो आप लोगों की आंखों के सामने है। प्लीज स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग।